हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और ये है लेटेस्ट ANX कैमरा वर्जन 5.0 विद MIUI गैलरी ऐप। तो यहाँ पर ऑल इन वन एक आपको ऐप मिल जाएगा, बेसिकली एक आपको मैजिस को मॉड्यूल मिल जाएगा जिसको इंस्टॉल करने के बाद में आपके फ़ोन के अंदर MIUI गैलरी ऐप आएगा और ANX कैमरा भी आएगा। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है इंस्टॉलेशन के साथ में बग्स बताऊंगा, कौन से Xiaomi फ़ोन के ऊपर ये वर्क कर सकता है या फिर नहीं, वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेंगी। एंड स्पेशली मैंने Redmi K20 Pro के ऊपर दो डिफरेंट रोम के ऊपर इसको ट्राई किया है, सो जो मेरा एक्सपीरियंस था इसके कैमरा के साथ में वो कैसा था, क्या बग्स मेरे को मिले और क्या कुछ यहां पर वर्किंग है फिलहाल जो मैं रोम यूज कर रहा हूं इसके ऊपर, तो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करता हूं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो लाइक कर सकते हो। तो अब इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो या फिर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ समझ में ना आए ना या फिर प्रॉपर गाइड चाहिए तो आप जो है क्रोम के अंदर जाना एंड इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे ना, यहां पर आपको मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है, सर्च के अंदर आ जाना, यहां पर आपको टाइप करना है ANX कैमरा को। सो ANX कैमरा आप टाइप करोगे ना उसके बाद सर्च कर सकते हो एंड सर्च के बाद में आपको जो फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा ना जिसके अंदर लिखा है हाउ टू इंस्टॉल ANX कैमरा विद MIUI गैलरी इन Android 12 LROMs, तो इसके ऊपर सिलेक्ट करना, ये बेसिकली आपको प्रॉपर गाइड यहां पर कर देगा एंड डाउनलोड लिंक्स वगैरह भी आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो यहां पे सिंपली इंस्टॉलेशन तो आपको बेसिकली मिल ही जाता है, मॉड्यूल के अंदर आके इसको जो है इंस्टॉल करना है, वर्जन 5.0 है MIUI कैमरा का। सो ये आप ट्राई कर सकते हो, जस्ट इंस्टॉल करना, रीबूट करोगे आपका जो डिवाइस है बूट कर जाएगा। बट इसके साथ प्रॉब्लम पता क्या है, यहां पर मैंने इससे पहले जो रोम इंस्टॉल कर रखी थी Redmi K20 Pro के अंदर उसका नाम था यहां पर Pixiz OS, तो वहां पर मैंने इसको ट्राई करने की कोशिश की बट जो सिस्टम है ना वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा था, सो इसकी वजह से मैंने इसको जो है स्किप कर दिया। तो आपके फोन के अंदर में भी ये वर्क ना करे इसका मेरे को कुछ नहीं पता, बट फिलहाल मेरे पास जो है Pixel OS इंस्टॉल्ड है बट इसके अंदर ये जो कैमरा ना काफी अच्छे से बूट कर चुका है। सो ये आप चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट सभी जो चेंजेस है ना वो वर्किंग है जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेंसेज से, तो आपका सबसे पहले जो है आपका अल्ट्रा वाइड वर्किंग है, बाकी नॉर्मल एंड ये आपको 2x जूम मिल जाएगा। एंड अगर आप ऊपर देखना चाहते हो तो सब कुछ सेम आपको मिलेगा, AI मोड है, HDR है और इवन अगर आप देखोगे तो विविड मोड वगैरह ब्यूटी वाले ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सो ये सिंपल है। अगर हम फ्रंट कैमरा को ओपन करते हैं तो फ्रंट कैमरा वगैरह भी आपका काफी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है, सो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वीडियो के अंदर चलते हैं, 4K 60fps वीडियो मिलता है Redmi K20 Pro के लिए, बट ये डिपेंड करता है आपके डिवाइस के हार्डवेयर के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर। सो ये सब चीजें तो डिवाइस टू डिवाइस वेरी करती हैं। एंड अगर आप यहाँ पर अल्ट्रा वाइड यूज करना चाहते हो तो आई थिंक आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड 2x जूम भी आप यहाँ पर कर सकते हो, वीडियो के अंदर ये सब चीजें भी वर्किंग है। प्रो मोड के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड लेंस मिल जाएगा, इवन 48 मेगापिक्सल का भी सपोर्ट आपको मिलता है और बाकी यहाँ पर सभी जो ऑप्शंस है ना वो मिल जाएंगे। एंड अगर हम चलते हैं इसकी सेटिंग के अंदर, तो सेटिंग के अंदर EIS वगैरह आई थिंक आपको मिलता है, कस्टम वाटर मार्क का ऑप्शन है, पिक्चर क्वालिटी है और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एंटीक बेंडिंग मोड वगैरह मिल जाएंगे। पोर्ट्रेट मोड विदाउट 48 मेगापिक्सल फिक्स के यहाँ पर वर्किंग है जो कि आप चेक कर सकते हो एंड इसके अंदर ये वाले सेटिंग्स आपको मिलेंगे। अब मोर के अंदर चलते हैं तो 48 मेगापिक्सल मैंने ट्राई किया था, काफी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है, सो 48 मेगापिक्सल के अंदर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली और यहाँ पर आपको मैं चेक करवा देता हूँ। सो अगर आप इसको जैसे इंस्टॉल करोगे ना, जो आपकी पिक्चर है वो आपकी MIUI गैलरी ऐप के अंदर ओपन होने वाली है जो कि आप यहाँ पर क्लियरली नोटिस करोगे, HD प्रीव्यू लिखा है और मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप चेक करोगे तो ये प्रॉपर आपको जो है MIUI गैलरी ऐप मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। सो यहाँ से आप इसको जो है एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो ये प्रॉपर इंटीग्रेशन आपको मिल जाती है MIUI गैलरी ऐप की इस ANX कैमरा के साथ में, एक जिप से आपको जो है दो चीजें मिल जाएंगी जो कि काफी अच्छी बात है। अब एक जो मोड है ना लास्ट में वो मेरा यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, वो है स्लो मोशन का। सो ये भी डिपेंड करता है रोम के ऊपर भी, समटाइम्स मैंने ट्राई किए थे इसको पहले जो 2.0 वाला अपडेट था ना, अगर आपका वर्क ना करे तो आप 2.0 ट्राई कर सकते हो, MIUI कैमरा वाला जो 2.0 वर्जन है ना वो ट्राई कर सकते हो। फिलहाल जो स्लो मोशन है वो यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा एंड जो 2.0 वाली वीडियो है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, तो वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो या फिर आई बटन में चेक कर सकते हो या फिर ANX कैमरा वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, वहां पर जितने भी ANX कैमरा के अपडेट्स है ना वो मैंने सब के सब शेयर किए हैं, तो आप वहां से जाके चेक करोगे तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा सभी चीजों के बारे में। ये लेटेस्ट 5.0 है और पोको X3 प्रो हुआ या फिर Mi 11X हुआ, इनके अंदर ये जो चीज है वो वर्क नहीं करने वाली। सो इसके लिए आप कोई अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हो जो कि थोड़ा मॉडर्न हो, इनके लिए कोई पैचेस वगैरह साथ में अवेलेबल हो। फिलहाल के लिए K20 Pro के ऊपर वर्किंग
वर्किंग है ये चीज, और आप ट्राई करना चाहते हो अपने डिवाइस के ऊपर ट्राई कर सकते हो। और कमेंट्स में बताना आपका डिवाइस कौन सा है, क्या कुछ आपके मोड्स वर्किंग है, क्या बगी है और क्या आपको इशू आया या फिर नहीं। मेरे को सेम डिवाइस के ऊपर सेम कैमरा के साथ में यहाँ पर इशू आया है और रैंडम रीबूट मैंने फेस किया था, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया। सो ये डिपेंड करता है आपकी रोम के ऊपर वो बूट करवा सकती है या फिर नहीं। जो मोड्स हैं वो भी रोम के ऊपर ही बूट जो है समटाइम्स डिपेंड करते हैं, समटाइम्स किसी रोम के ऊपर ऑलमोस्ट सभी चीजें वर्किंग रहती हैं और किसी के अंदर थोड़ी दिक्कत आती रहती है, तो ये डिपेंड करता है। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, उसके साथ शेयर भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो।